बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। रमज़ान मुबारक ख़त्म हो गया, ईद का चांद नज़र आ गया और ईद है सुबह, तो तैयारी हो रही है ईद की। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है शीर खुरमा और इस वक्त तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं और हर घर में इसी किस्म की तैयारी हो रही होगी। तो काफ़ी अरसे से जो है ना, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। जो वीडियो मेरे पास बनी हुई थी मैं वही अपलोड कर रही थी, तो उसकी क्या वजह थी तो मैं आपको बताती हूँ, इसके साथ ही बल्कि दिखाती हूँ कि क्या वजह थी। ये गले के लिए है माला, बहुत प्यारी ज्वेलरी है। देखिए लॉकेट, बहुत ही खूबसूरत लॉकेट है, बहुत प्यारी ज्वेलरी है सारी। और ये जो है ना, ये सहारे हैं दूसरे, जो मैंने इयररिंग्स अभी आपको दिखाए थे, ये देखिए, ये इसके सहारे हैं मोतियों के, बहुत ही ज़बरदस्त पर्ल्स हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है माशाल्लाह। ये सबसे खूबसूरत, ये देखिए बहुत प्यारी ज्वेलरी है, बहुत ही ज़बरदस्त ज्वेलरी है। और ये है हाथ में पहनने वाली, ये देखिए ये आपको पहन के दिखाते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत ज्वेलरी माशाल्लाह। कर रही थी सिलाई, घर के सारे कपड़े जो हैं वो मैंने सिलाई किए हैं। ये ब्लैक कलर है, ये बड़े बेटे का सूट है, तो इसलिए आपको सही तरीके से यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं यहाँ पर रख के दिखाती हूँ उसको। ये ब्लैक तो नहीं है, डार्क ग्रे कलर है। तो ये एक मैंने सूट सिया है, ये देखें इसके कफ जो हैं वो ऐसे हैं, ठीक है। ये देखें ये थोड़े से बड़े वाले कफ हैं इसके। तो ये एक सूट, ये दरमियान वाले बेटे का सूट है और ये टी पिंक कलर है। तो इस पे थोड़ी सी जो है ना वो डिज़ाइनिंग भी की है, ये देखें ज़िप लगाई है मैंने डिज़ाइन से, ये देखें। और ये ज़िप्स जो है ना, ये मतलब नीचे कपड़ा है इसके, ये देखें खोल लें तो जो है नीचे से एक और कपड़ा है इसके, ये खुलने वाली ज़िप्स नहीं है, वैसे ही हैं, डिज़ाइनिंग है। ये दोनों साइडों पे ज़िप लगाई है और ये बटन है। तो ये दरमियान वाले बेटे का सूट, और ये भी एक सूट है, बड़े बेटे का ही सूट है। इसकी भी जो है ना ये कफ जो हैं वो इसी तरीके से बनाए हैं, थोड़े से बड़े उसको पसंद हैं आजकल जो इस तरह बन रहे हैं, तो ये वाले कफ बनाए हैं, ये देखें। और ये हस्बैंड का सूट है, ये भी एश ग्रे कलर है, ये डार्क कलर जो है वो लिए हैं इस दफ़ा। और इसके कफ वगैरह जो हैं वो नहीं बनाए हैं क्योंकि वो नहीं पहनते हैं, वो सादा ही पहनते हैं। तो बटन इस पे लगा दिए मैंने कुछ फैंसी किस्म के, तो प्रेस कर कर के लटका दिए हैं सारे कपड़े। तो ये हो रहा है इस वक्त ईद का, ईद की जो। और यहाँ पर देखें ये अंगरखा है, ये मैंने अपने लिए सिया है। और ये देखें ये वाइट पर जो है ना, वाइट ही मोती की जो है वो मैंने लैस लगाई है, ये देखें, ये देखें देख सकते हैं। अभी इसकी डोरी मैंने लगानी है, अभी इसकी डोरी नहीं लगाई, ये कंप्लीट नहीं है। और नीचे जो है ना वो इसके साथ मैंने ये लैस लगा दी है, थोड़ा सा मैंने मैरून टच दिया है क्योंकि इसकी स्लीव्स पर भी इस तरह की ये लैस मैंने लगा दी है, क्योंकि इसके साथ जो दुपट्टा लिया है मैंने वो सिंधी अजरक के डिज़ाइन का है मैरून, तो वो मैं आपको दिखा। ये दुपट्टा है इसका, मैरून दुपट्टा है इसके लिए लिया मैंने इस सूट के साथ। और इसके साथ ये जो है ना, ये मैरून लेस जो है वो मैंने इसके साथ अटैच की है, तो ये इसकी सेटिंग। और जी एक ये वाला सूट है, ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत सूट है, ये देखें इसके बॉर्डर पे भी एक काम है। मैं लाइट ऑन करके आपको सही तरीके, ये देखें
ये बहुत खूबसूरत सूट है ये, लेकिन मैंने खुद नहीं सिलाई किया, ये मैंने बाज़ार से लिया है। इसका बॉर्डर देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। और इसके साथ जो है ना ये वाला ट्राउज़र है, ये ट्राउज़र है इसके साथ, और इसके साथ दुपट्टा जो है ना वो इस कलर का है जी। ये देखिए ये मेरे सबसे छोटे वाले बेटे का सूट है, और ये भी मैंने उसी तरह डिज़ाइनिंग की है जैसे वो मैंने दरमियान वाले बेटे की डिज़ाइनिंग की थी, जिप्स लगाई हैं और ये टी पिंक कलर है। तो कैसी लगी आपको ईद की तैयारी, ईद की शॉपिंग? अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, वीडियो को शेयर लाजमी करें। और इसके अलावा आपने मुझे फ़ीडबैक में बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़ और सबको ईद मुबारक।